बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनएक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। रंज हर रंग के झोली में भरे हैं हमने, बहुत प्यारा बच्चा था, बहुत मेरी तरह मेहनती था, क्या करे अब वो। कहने को बहुत कुछ है मगर लफ्ज साथ नहीं देते। उसकी मुस्कुराहट, उसकी बात मानना, पढ़ना, सुबह उठना, तैयार होके जाना मदरसा, बस बहुत प्यारा बच्चा था मेरा माशाल्लाह। घर का कोई भी काम होता था खुद अपनी मम्मी से पूछ के ले आता था। नीचे इलाके में कोई भी डबल रोटी मंगावे, अंडे मंगावे, वो लड़का काम का कभी किसी को मना नहीं करता था। इतना जिम्मेदार लड़का था, पढ़ने में, मदरसा पढ़ने में, स्कूल पढ़ने में बहुत उसका अच्छा रिकॉर्ड था। घर भर की आंख का तारा मासूम एहसान अली जो एक दहशतगर्दी का शिकार हो गया। 13 साल के बाद हम गए थे, 12 साल का हमारा बच्चा है। हम लोग राजी खुशी से घर से निकले, उधर बच्चा हमारा बैठा था कि बम ब्लास्ट किया इन लोग ने, हमारा बच्चे को शहीद कर दिया। ये हमारी 4 बजे की है तस्वीर, ये वो उधर गया था कोकल देव की है। ये हमारी तस्वीर है, 5 मिनट आगे मजार के पास हमारा बच्चा खड़ा है। हमारा रमजान भी गया, हमारी ईद भी बेसकून हो गई। हम ना ईद के कपड़े बच्चों ने पहना है, ना हमारे घर में अच्छा खाना पका है, क्योंकि हमारे बच्चे की याद थी ना। वो बोल अम्मी बिरयानी पकाओ, अम्मी सा भूसा मंगाओ, अम्मी रोजा खोले, आज क्या पकाएंगे, क्या कपड़े, ना हम बाजार गए, ना हम कपड़े ले, बच्चे जिसको मंगता लेके आते नहीं, हम चुप करके बैठ गए घर के अंदर। एहसान अली के वालिदैन का गम बहुत बड़ा है। क्या बताऊं एहसान के लिए, एहसान मेरा बहुत अच्छा बेटा था, बहुत समझदार था, डाया था, बहुत बात मानता था सब। हमारे साथ ऐसा हुआ, अल्लाह दुश्मन के साथ भी नहीं करे। हंसते खेलते हम लोग इधर से गए, इतना हंस रहा था, बातें कर रहा था सबसे, मस्तियां कर रहा था, नाते पढ़ रहा था पूरी गाड़ी में, ये सबसे ज़्यादा नाते पढ़ रहा था, वहाँ तक ये नातों का उसको बहुत शौक था, पढ़ रहा था। अचानक से क्या हुआ कुछ समझ नहीं आया, एक दिन हमारा बिल्कुल सही निकला, दूसरे दिन हम जैसे मजार पे गए हमारे साथ ही था, तो कहाँ से कौन आया, कैसे बम ब्लास्ट हुआ, कुछ समझ नहीं आया। ऐसा हुआ हमारे साथ जैसे हम एकदम से खामोश हो गए कि एक मिनट में हमारी दुनिया ही उधर ही बदल गई। नहीं उधर कोई जगह, नहीं कोई डॉक्टर, कोई सहूलत नहीं हुई, किस्सा है वो भी पाकिस्तान का, उसमें भी होना चाहिए सब कुछ, कोई उधर कोई नहीं, एक रुई तक उनके पास नहीं, खून की नदियाँ बह रही है, कुछ पता नहीं, सबको ड्रिपे लगा रहा है बस, सबको पकड़ पकड़ के खड़े हुए, बच्चे को देखो, नहीं कोई डॉक्टर, नहीं कुछ, पागलों की तरह लोगों के पास, गाड़ियों वाले के पास जा रहे हैं कि हॉस्पिटल तक पहुँचा दो, हॉस्पिटल तो है ही नहीं वहाँ पर। 12 नवंबर की वो शाम जब सैयद सखी शाह बिलावल नूरानी के मज़ार पर क़यामत सुग़रा बपा हुई, ब
12 नवंबर सन 2016 बरोज हफ्ता, वक्त शाम 5:50, जब हजरत सैयद सखी शाह बिलावल नूरानी के मजार पर एक खुदकुश धमाके के नतीजे में 100 से जायद अफराद शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए। कहा जाता है कि धमाका शाह नूरानी के मजार पर धमाल के दौरान हुआ और खुदकुश बम्बार तकरीबन 17 साल का लड़का था, जो शक्ल से अफगानी मालूम होता था। हमले में तकरीबन 8 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया, जिसमें बॉल बैरिंग की बड़ी तादाद मौजूद थी। वाज़ेह रहे कि शाह नूरानी का इलाका लेवीज का इलाका है और इस मकाम के अतराफ में 12 अहलकार तैनात होते हैं। ताहम चार दीवारी न होने के सबब मजार पर वॉक थ्रू गेट्स नस्ब नहीं थे। उस शाम नूरानी नूर हरबला दूर की सदा बुलंद करने वाले खाको खून में नहला दिए गए। धमाल हो रही थी, धमाल के पास ही खड़े हुए थे, बिल्कुल मैं सीढ़ी पे खड़ी हुई थी और ऐसा नीचे मेरे सामने खड़ा हुआ था, नारे लगा रहा था। मैंने इसको इशारा किया, मैंने कहा थोड़ा दूर हो। फिर कहाँ गया, क्या हुआ, मेरे हिसाब से उस तरफ था। मेरे भाई बोलता है इस तरफ से मिला, जो मेरे हाथ में ही था, मेरी गोद में ही था। इशारा हिला रही थी इसको, मैं बातें कर रही थी पर ये जवाब नहीं दे रहा था, नहीं आँखें खोल रहा था, कुछ भी नहीं, ऐसे ही बस हिला रही थी मैं इसको। भाई मेरे भाई को बोली थी, भाई देखो क्या हो रहा है। मेरे भाई ने बोला नहीं, मैंने इसको ऐसे लगाया सीने से। मेरे भाई ने दूसरे डॉक्टर आया, उन्होंने उसने देखा और मुझे डायरेक्ट कहता इसमें कुछ भी नहीं, यूं करके ड्रिप निकाल के चला गया। एहसान अली की यादें हैं कि दिल से मिटती नहीं। जब है ना ये सब लोग गए, क्योंकि ये लोग सब धमाल वगैरह पास ही होते हैं, हमें पता था। जैसे ही मैंने न्यूज़ लगाई उस वक्त से पता नहीं क्यों मेरा दिल इतना घबरा रहा था, मैंने उसी वक्त से रोना शुरू कर दिया था। मैं 9 बजे से रोई, 1 बजे मुझे पता चला कि एहसान नहीं रहा मेरे पास। ऐसा लग रहा था कि कुछ है ही नहीं, पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। उस वक्त बहुत ही बुरा महसूस हुआ, उस वक्त बहुत ही बुरा, ऐसा कभी हमें महसूस नहीं हुआ था जो उसके जाने के बाद हुआ। वो बच्चा यानी इस बिल्डिंग की जान थी, बच्चा लगता ही नहीं था कि बच्चा, यानी उसके होने से लगता था कि बच्चा है। अब ऐसा लगता है कि कोई बच्चा ही नहीं है इस बिल्डिंग में, हालांकि इतने सारे बच्चे हैं, लेकिन वो बच्चे वाली रौनक आती नहीं जो उसके होते हुए आती थी। बहुत ही अच्छा था, उतरते चढ़ते उठते बैठते उसकी आवाज़ हर वक्त गूंजती थी। कोई ऐसा टाइम नहीं होता था कि वो चुप हो, हर वक्त उसका बोलना, बात करना, हंसना। हिना भाई जी, हिना भाई जी, पूरा टाइम उसकी आवाज़ आना, अब ऐसा लेकिन नहीं है। यह हमें सोच के बहुत दुख होता है कि वो जहीन बच्चा, इतना अच्छा हमारा बच्चा हमारे पास नहीं है। एक बाप का दिल जो अपनी औलाद के जाने से खाली हो गया। बस घर वालों का, मेरे खाला का लड़के के बेटे का अकीदा था, तो उन्होंने सारों ने प्रोग्राम बनाया कि वहाँ जाना है, तो मुझे मेरे घर वालों को भी बोला, तो मेरे से इजाज़त मांगी, तो मैंने बोला जाओ आप लोग। मेरे को बोला आप भी चलो, मैंने मेरा यहाँ काम है, मैं नहीं चल सकता हूँ। ये लोग सब चले गए, उधर गए, फिर मुझे मीडिया में पता पड़ा, उधर फ़ोन मोन के रबते तो थे नहीं। मैं रात को काम से आया तो मीडिया में पता पड़ा कि उधर बम धमाका हो गया, तो फिर मेरा साला है उसकी एम्बुलेंस में मैं वहाँ पहुँचा तो पता पड़ा कि मेरा एहसान अली शहीद हो गया। ये बेजमीर लोग, ये पाकिस्तान के तो नहीं हो सकते, ये पता नहीं कहाँ से आए हैं, ये मुसलमान भी नहीं हो सकते, ये पता नहीं कौन सी कौम आ गई है ये प्यारे मुल्क में पाकिस्तान के अंदर। खुदा रहा गवर्नमेंट से, वफाक गवर्नमेंट से, नवाज शरीफ साहब से, कमर जमान बाजवा साहब से, मैं इल्तिजा करता हूँ कि ये लोगों से हमारे पाकिस्तान की जान छुड़ाएं आप। इतना खुश मेरा बच्चा था, इतने बंदे थे उसमें से यही बनता था जो बहुत खुश था। मेरा तो आना जाना सब खत्म हो गया। माँ बाप को तो पूछो उसके दिल से, जिसका बेटा, मेरा बेटा ऐसा हो गया, एक बात करते उसका जवाब देता, दूसरी बात नहीं करते ना। मेरा पोता करता है ना, मेरी बहू करती है, हमारा पूरा घर, हमारा पूरा खानदान वो हो गया है। उसको ही पता होगा जिसके ऊपर जिसका 12 साल का बच्चा गया, खेलते खेलते लेके गए, वो बच्चा चला गया दुनिया में से। बच्चे की हमने खुशी लोग ने छीन लिया, इसको क्या मिला, इन लोगों को कुछ मिला, गरीबों से बच्चे, हमारे पास तो कुछ नहीं था, ये बच्चा ही था हमारी दौलत। जो पूछता है कि तुम्हारे बच्चे कितने, अभी एक बोलने में बहुत वो होता है, दो जोड़ी थी ना, अल्लाह ने फोड़ दिया, एक है उसका हम बोलते इसके ऊपर हमारी जिंदगी है, ये हमारा बच्चा है, इसके जीना है भाई, इसको मारना नहीं, इसके अभी तेरी इससे हाल चलेगी, मारना नहीं इसको, इसको गुस्सा नहीं करना, एक अल्लाह ने ले लिया।
बच्चा भी वो ले लिया जो घर की रौनक थी। हमको पैसों की जरूरत नहीं, हमको हमारे बच्चों की जरूरत, उनको हिफाजत दे दो, हमको कुछ नहीं चाहिए तुम लोगों को। धनों का सत्यानाश करेगा, कभी जिंदगी में लोगों मेरी बदवा को सुकून कभी भी नहीं मिलेगा। अगर यहाँ से कोई जाते हैं 40-50-100-150 अफराद वहाँ दरगाहों पे, कहीं भी दरगाहों पे, और उधर ये सिक्योरिटी नहीं है तो फ़ायदा क्या है? ये तो हुकूमत नाकाम है ना, उधर मोबाइल फ़ोन नहीं है, राय बिल्ला के रास्ते पे जा रहे हैं, वहाँ पे उसको बम ब्लास्ट करके ही लोग बुलाते हैं, इसलिए क्या मिलता है इसके अंदर? ये मुसलमान नहीं हो सकते। इस शहर खामोशा में हमेशा की नींद सोने वाला एहसान अली अपने प्यारों के दिलों में जिंदा है। मेरा बच्चा बस मुझे आया, मेरे को बोला पप्पा मेरे को पैसे दो, मेरे को चप्पल लेनी है। मैंने 500 रुपये दिए उसको, उसने अपनी चप्पल ली, यही उसने मेरे से बात की, और दूसरे दिन सुबह को उसने टाटा किया मेरे को। बाकी मेरा बच्चा बहुत मदरसे में भी और पढ़ने में भी बड़ा अच्छा था। सिंध गवर्नमेंट सिर्फ ऐलान करती है, सियासत करती है, किसी का कोई सुनवाई नहीं है। अभी जितने भी नूरानी बम धमाके में शहीद हुए, जितने भी कराची के या कराची के बाहर, बस ऐलान कर दिया, इनको पैकेज नहीं दिया। मेरे से ज़्यादा भी गरीब हैं तो ये, वरना ऐलान ही नहीं करो ना। हम लोग ने तो आपको नहीं बोला कि हमें दो, हम गरीब हैं हमें दो, खुद आए हैं अपनी सियासत चमकाए, इसके बाद कोई वाली वारिस ही नहीं है। लवाहिकीन का कहना है कि हुकूमत ऐलान करती है, वादे करती है, मगर वादों को वफा होने में कितना वक्त दरकार है कोई नहीं जानता। हमारे हुकुमरान सबसे पहले आपने कितनी केयर करते हैं ये लोग, और बाकी ये जो हम आवाम हैं जो इनको वोट देती हैं, जो उनको इतना आगे लाती है, हमारी वजह से आते हैं ये लोग, इनको ये नहीं पता है। तुम लोग ये सोचो कि हमारी मेहरबानी तुम पे, हम बल्कि तुम में ना हमारे एहसान झुकाओ जो तुम लोग कभी भी नहीं कर सकते हो। उनको चाहिए कि हमारी वो केयर करें कि हमने उनको इस मुकाम पर लाया है, वो खुद नहीं आए, आते हैं जब भी कोई हादसा हो जाता है वो लोग आते हैं, स्पीच वगैरह करते हैं और फिर यूँ करके हाथ झाड़ते हैं और चले जाते हैं, देखते नहीं है कि क्या हुआ है, उनके दिल पर क्या गुजरी है, माँ की ममता का उन्हें एहसास ही नहीं है, बस उन्हें हाथ झाड़ना, स्पीच करके और चले जाना। कभी कोई पैसों वालों का बच्चा इस तरह जाए तो उनको पता चलता है, कभी पता चले कि गरीबों का भी बच्चा इतना ही कीमती होता है जितना इन गरीबों का पैसे वालों का होता है। हम लोगों ने भी इतनी तकलीफों से हमारे बच्चे बड़े किए और एक झटके में हमारे गरीबों की जिंदगी भर की दौलत खत्म कर दी। इनको क्या, ये तो इनकी दुश्मनी है, इनसे जाके निकालो, इनके बच्चे मारो, इनको मारो, हम कारे गरीबों पर क्यों बम करते हैं, क्यों मारते हैं हमारे गरीबों के बच्चों? हमारी तो दौलत यही थे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। ये आके तसल्ली दे के एक बड़ा सा ऐलान करके चले गए। हमको पैसों की जरूरत नहीं, हमको हमारे बच्चों की जरूरत, उनको हिफाजत दे दो, हमको कुछ नहीं चाहिए तुम लोगों से, उनको हम कोई भी इस दौर में महफूज नहीं है, नहीं बाजार, नहीं मस्जिद, नहीं हॉस्पिटल, कोई जगह महफूज नहीं है कि इंसान कहे कि हम लोग यहाँ महफूज, हमको कुछ नहीं होगा। अपने घर में भी इंसान महफूज नहीं, वहाँ भी डर, हुक्मरान कुछ कर ही नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे। पता ही नहीं लगा क्या हुआ, बम ब्लास्ट किया, सुरो खुदा सत्यानाश करे, मेरी बहू की गोज उजाड़ दिया, घर की रौनक खत्म कर दिया, मैं बूढ़ी दादी रो रो के थक गई हूँ, कोई दिन ऐसा नहीं है कि मैं रो के नहीं सोई हूँ, पढ़ पढ़ के गरु शरीफ पढ़ूँ, कुल पढ़ के भेजती हूँ, अल्लाह मेरे बेटे के उधर अच्छा हो सब ना, ये हाल है हम लोग का। ये आहें, ये सिसकियाँ, ये दर्द, ये रंज, ये गम शायद जिंदगी का हिस्सा है। खुदा लोगों का सत्यानाश करेगा, कभी जिंदगी में लोगों मेरी बदवा को सुकून कभी भी नहीं मिलेगा, कभी सुकून इन लोगों को नहीं मिलेगा, ये भाग कुत्ते की तरह भागते रहेंगे, जैसे हम लोगों जिस लोग ने दर पदर किया है, हमारी खुशी छीना अल्लाह करेगा, कभी भी खुश नहीं रहेंगे लोग, जिस जिस माँ का दिल उजाड़ हुआ, हर माँ दादी नानी बाप चाचा यही बदवा देते हैं लोग। ये दहशतगर्द हकीकतन दिल नहीं रखते, के दिल होते तो ये काम नहीं करते, मज़ारों पे, मस्जिदों में ये बेगुनाह लोगों को शहीद कर रहे हैं जिनका कोई ताल्लुक ही किसी चीज़ से नहीं है। एक आदमी मज़ार पे जा रहा है मन्नत पूरी करने के लिए, राय बिल्ला के रास्ते पे जा रहा है, वहाँ पे उसको बम ब्लास्ट करके ही लोग उड़ाते हैं, इसलिए क्या मिलता है इसके अंदर? ये मुसलमान नहीं हो सकते, ये बिल्कुल मुसलमान नहीं हो सकते, ये ज़ालिम ज़ालिम
मफाद परस्त लोग हैं। अवाम अमन चाहती है, जुल्म करने और दहशतगर्दी करने वाले हाथों को टूटते देखना चाहती है। सिक्योरिटी बनाओ, जहाँ जहाँ ये होते अब नूरानी पे देखें, उधर मोबाइल काम नहीं करते हैं। जब बम धमाके से पहले मोबाइल काम नहीं करते हैं, उधर एम्बुलेंसें लेट पहुँचती हैं। तो ये वहाँ के लोग हैं जो टावर लगने नहीं देते हैं, तो ये हुकूमत का काम है ना। वहाँ अगर यहाँ से कोई जाते हैं 40-50-100-150 अफराद वहाँ दरगाहों पे, कहीं भी दरगाहों पे, और उधर ये सिक्योरिटी नहीं है तो फ़ायदा क्या है? ये तो हुकूमत नाकाम है ना, उधर मोबाइल फ़ोन नहीं है। एक माँ के जज्बात मुलाहिजा कीजिए कि वो अपने प्यारे से बेटे के बारे में बात करते हुए किस कदर सब्र से काम ले रही हैं। वो बार बार कह रहा था हमें प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है ना, अभी चलेंगे ना अपन। उसको पता नहीं क्यों इतनी खुशी और इतनी जल्दी थी उसको जाने की मेरे रब के पास, के पास वो सबसे आगे था। एक बैग पहले अपने मेरे भाई के घर पर रख कर आया, दूसरा बैग लेने आ गया। मैंने कहा अभी तू बैग लेके नहीं जाएगा भाई, अभी हमजा उठाएगा बैग, छोड़ हमजा। तुझे बोलता नहीं अम्मी मैं थोड़ी थकता हूँ, मैं तो लेके जाऊँगा। बहुत लाया, बहुत समझदार बच्चा था, कभी किसी को मोहल्ले में भी काम का मना नहीं करता था, इतना लाया। बस ऐसे चल रहे हैं, अल्लाह चला रहा है, बस अल्लाह को नमाज पढ़ पढ़ के दुआओं में इसको याद करते हैं, उसके लिए तस्बीहां पढ़ पढ़ के देते हैं। पर हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ, हमारे साथ क्या किसी की माँ के साथ अच्छा नहीं हुआ? इतने बड़े बड़े बेटे जिनके जवान जवान बच्चे चले गए, हुक्मरान कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी भी देखो कुछ भरोसा नहीं है, आज किस मार्केट में फेंक दे, कोई प्लाजा में बम फेंक दे, इनको क्या है? कुछ भी, वही मरेंगे लोग, ये आएंगे ऐलान करके चले जाएंगे। एहसान अली के लवाहिकीन का कहना है कि किसी के गम का मदावा करना बहुत बड़ी बात है, किसी के दर्द का एहसास करना ही इंसानियत है। हुकूमत को ये बेगम चाहिए, हुकूमत उस वक्त गरीबों से मजाक नहीं करे। या जो हुकूमत अपनी है ना, उसको बोलो ये मजाक किसी से नहीं करो। हर दिल के अगर बदवा निकलती, दुआ नहीं निकलती। उस वक्त पे कितनी बड़ी बातें किया, बोला बलोचिस्तान वाले 10 लाख रुपए देंगे, हमने ये सुना। उस वक्त हम रोने धोने में, लोग आके हमारे को बताया, बोला 5 लाख रुपया ये देगा, क्या नाम है इसका बादशाह के रो बांधो बना नवाब शरीफ, 5 लाख की बोला है, 5 लाख मिलेंगे, 15 लाख हमको मिलेंगे। हम गरीब आदमी को, हमारे से भी तो गरीब होंगे, अब फिर भी मजदूरी करके खाते वो होंगे, जो सिंध में बेचारे कितने हैं, बलोचिस्तान में कितने हैं, क्या वो देने का तो बात ही ख़त्म हो गई। पता ही नहीं है हुकूमत को, तो फिर बातें क्यों करती हूँ? जब नहीं हो सकता तो आप बातें नहीं करो हम लोग से। आइए कोई ऐसी हिकमत अमली अपनाएं, अपने शहरों, कस्बों, गलियों और मकामात को महफूज करने की कोशिश करें कि मुस्तकबिल में किसी माँ बाप से उसका प्यारा सा एहसान अली छिन ना जाए।